हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू लाइटनिंग डार्क अंडरआर्म्स नेचुरली एंड फास्ट। तो फर्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए राइस फ्लोर, और मैं यहाँ पर लूँगी 4 टीस्पून राइस फ्लोर। अब इसमें ऐड करना है वाइट विनेगर। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए पेस्ट हो गया तैयार। ऐसे एक थिक होगा पेस्ट, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ ऐसा होगा। इसे कैसे यूज़ करना है मैं बता रही हूँ। आप अपने अंडरआर्म्स को क्लीन कीजिए, फिर इस पेस्ट को अप्लाई कीजिए, फिर 20 मिनट तक वेट कीजिए, देन प्लेन वाटर से इसे धो लें। आप इस रेमेडी को 3 to 4 times ए वीक यूज़ कर सकते हैं, एंड रिजल्ट अच्छे रिजल्ट पाने के लिए इसे मैंने जो जिस तरह बताया है उस तरह यूज़ कीजिए। एंड राइस फ्लोर और राइस पाउडर में ऑयल कंट्रोलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और ये एक पॉपुलर इंग्रेडिएंट है होममेड फेशियल पैक ऑयली स्किन के लिए, और ये एक नेचुरल स्किन बैलेंसिंग एजेंट है जो आपके डार्क कलर को इम्प्रूव करने के साथ साथ सनबर्न को भी स्मूथ करता है। और विनीगर भी स्किन को लाइटनिंग और स्किन के बैक्टीरिया, जर्म्स एंड डेड स्किन सेल्स के सेल्स को रिमूव करता है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिए अपने अंडरआर्म्स को डार्क करने के लिए। आप ज़रूर इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव एक रेमेडी है। सो गाइस प्लीज़ ट्राई दिस रेमेडी। एंड सेकेंड रेमेडी के लिए हमें चाहिए सैंडलवुड। तो मैं यहाँ पर लूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ सैंडलवुड पाउडर। देन मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर। मैं यहाँ पर पतंजलि टिपिया गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ, आप आपके पसंदीदा कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके एक थिक पेस्ट बनाना है हमें। ये देखिए मिक्स हो गया। फिर आप इसे अपने अंडरआर्म्स में अप्लाई कीजिए, देन कोल्ड वाटर से धो लीजिए। आप इसे आधा घंटा तक रख सकते हैं। आप इस रेमेडी को डेली 2 to 3 weeks यूज़ कीजिए, इससे आपके अंडरआर्म्स लाइटन हो जाएंगे। और सैंडलवुड पाउडर और हेल्पफुल रेमेडी है जो लाइटन डार्क अंडरआर्म्स, एंड इसमें बहुत ही स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये ऑल्सो स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है, एंड ये एक आइडियल रेमेडी है सेंसिटिव स्किन के लिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है। और गाइज मैं आपको बता रही हूँ आपको अंडरआर्म्स में डार्कनेस की प्रॉब्लम क्यों होती है और कैसे होती है। अगर आप बहुत ही ओवरवेट हैं, या फिर आपको ओबेसिटी है, इससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको हार्मोनल कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इंबैलेंस हो, और अगर आपकी स्किन एक्सपोज रहते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर यूवीए एंड यूवीबी रेज आपकी स्किन को इफेक्ट करता है, इसलिए आपको ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आप इस प्रॉब्लम को ज़रूर ठीक से ध्यान से अच्छे से फॉलो कीजिए, इससे आपको अंडरआर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ज़रूर इस 2 ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। और गाइस अगर आपको मेरा ये 2 ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है ज़रूर उसे क्लिक कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, और ज़रूर इसे यूज़ कीजिए, बहुत इफेक्टिव फार्मूला है।